कर दिया गया है कि इस बार कोई भी जुलूस का नंबरिंग नहीं होगा। मत लिया जा रहा है कि अगर इस तरह का हरकत हुआ, लाठी डंडा जिसके जुलूस में पाया गया, डीजे पाया गया या अशांति फैलाई गई, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस बार सभी मूर्ति का विसर्जन पूर्व की भांति दाहा नदी में निर्धारित है। धारियों को मेरे थाना क्षेत्र में आने का सख्त हिदायत है और इसे अलाउ नहीं किया गया है। वो अपने क्षेत्र में विसर्जन करें, दूसरे क्षेत्र से आकर के मेरे क्षेत्र में जो उदंडता और ये इस तरह का हरकत किया जाता है और माहौल बिगाड़ा जाता है। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले माँ थाबे टाइल्स एंड सेनेटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सेनेटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता माँ थाबे टाइल्स एंड सेनेटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 7004264018। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन सिवान। के नगर थाने में तमाम गणेश पूजा के लाइसेंसधारियों की अहम बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस बार गणेश पूजा का जो जुलूस निकलेगा उसमें किसी तरह का नंबरिंग नहीं रहेगा। जो पहले आएगा वो आगे जाएगा। पहले आपको बता दें कि एक नंबर से लेकर के इसकी शुरुआत होती थी, लेकिन इस बार नया नियम लगाया गया और आपको बता दें कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। और इसको लेकर के सभी अखाड़ा के जो गणेश पूजा के जुलूस के जो लाइसेंसधारी हैं उन लोगों ने सहमति भी जताई है। और जो पहले से जो रूट है वो जो बहुत रूट जो इधर उधर घूम करके जाते थे उसको भी सीधे तरीके से करते हुए और सीधा दाहा नदी में विसर्जित करने का भी निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि गणेश पूजा 19 तारीख से शुरुआत हो रही है और 23 तारीख को विसर्जन होगा और इसी को लेकर के अहम बैठक की गई है। तमाम लाइसेंसधारी जो गणेश पूजा के हैं वो मौजूद हैं। नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम के नेतृत्व में आज की बैठक हुई, उसके बाद से सुदर्शन राम ने क्या कुछ जवाब दिया है, किस तरीके से, आइए सीधे ले चलते और सुनते हैं उनकी बातों को। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार सिवान। लाइसेंसियों के साथ आपने बैठक किया, क्या कुछ निर्णय लिया गया और कब है गणेश पूजा, क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की? आगामी गणेश पूजा 19 तारीख को गणेश जी का मूर्ति का स्थापना है और 23 तारीख का ये लोग 5 दिन के बाद विसर्जन करते हैं। सभी लाइसेंसधारियों को बुला करके यह सख्त हिदायत कर दिया गया है कि इस बार कोई भी जुलूस का नंबरिंग नहीं होगा। 1 बजे से 5 बजे तक के बीच में जो भी जुलूस वाले हैं अपने मार्ग, निर्धारित मार्ग से आएंगे और ससमय विसर्जन करके वापस घर जाएंगे। इस बार कोई भी डीजे, बैंड, लाठी डंडा कुछ भी अलाउ नहीं किया गया और इन लोगों से इस बार शपथ लिया जा रहा है कि अगर इस तरह का हरकत हुआ, लाठी डंडा जिसके जुलूस में पाया गया, डीजे पाया गया या अशांति फैलाई गई, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस आशय का उन लोगों से शपथ पत्र लिया जा रहा है। कितने बजे तक सर विसर्जन कर देना है? विसर्जन 5:30 तक कर देना है, ऐसे 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। लास्टली उसके 10-20 मिनट इधर उधर हो सकता है। और रूट को लेकर भी सर कुछ चेंजिंग किया गया है या फिर पहले का कुछ लोग कुछ जुलूस का लाइसेंस गलत था जो इस क्षेत्र का परिक्रमा कर करके और शांति वट वृक्ष होते हुए बड़ी मस्जिद की ओर आता था, उसको बैंड किया गया है। सीधे वो अपने स्थान से निकलेगा, थाना रोड होते हुए दरबार मस्जिद, जेपी चौक और दाहा नदी के पास वो मूर्ति का विसर्जन। सभी मूर्ति का सर विसर्जन कहाँ होगा इस बार? इस बार सभी मूर्ति का विसर्जन पूर्व की भांति दाहा नदी में निर्धारित है। और सर जो आपके थाने इलाके के बाहर के अलग थाने से, चाहे सराय ओपी हो गए या महादेवा ओपी हो गए,
वो लोग क्या इसमें शामिल होंगे या फिर वो लोग अपने थाने में होंगे? नहीं नहीं, मेरे थाने क्षेत्र के लाइसेंसधारी ही मेरे थाने क्षेत्र में आएंगे मूर्ति विसर्जन करने। दूसरे थाना क्षेत्र के लाइसेंसधारियों को मेरे थाना क्षेत्र में आने का सख्त हिदायत है और इसे अलाउ नहीं किया गया है। वो अपने क्षेत्र में विसर्जन करें, दूसरे क्षेत्र से आकर के मेरे क्षेत्र में जो उदंडता और ये इस तरह का हरकत किया जाता है और माहौल बिगाड़ा जाता है, वो ऐसा नहीं होगा। वो अपने क्षेत्र में मूर्ति पूजा करें, अपने क्षेत्र में विसर्जन करें। और जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि जिस घटना को अंजाम देना चाहते हैं, उस तरह के भी लोगों को चिन्हित करेंगे आप लोग, कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई शुरू है इसके पहले से, जो बचे खुचे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई आंतरिक रूप से की जा रही है। किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा और सबके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, साथी हॉस्पिटल बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर चकिया रोड यदुवंशी नगर सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड सिवान, कॉल करें 8757309680916267361। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। मानसिक, नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बढ़हरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बढ़हरिया रोड सिवान। कॉल करें 9431871300। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस भी 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर JP चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टेक्ट नंबर 7323045151, 8873478506। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।